आइए आरपीडी एक्ट 2016 पर जारी चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सबका पार्ट 20 में, इस चर्चा के पार्ट 20 में स्वागत है। कल जो कुछ हमने चर्चा की एजुकेशन को लेकर, उसको समाप्त किया एजुकेशन से संबंधित प्रावधानों को लेकर। उसके बाद कुछ साथियों के व्हाट्सएप मैसेजेस सुने थे मैंने, जिसमें कुछ साथी प्रश्न पूछना चाहते थे। उनके प्रश्न या तो समय पर आ नहीं सके या वो कर नहीं सके। परमानंद जी ने एक प्रश्न किया था कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नोडल ऑफिसर कौन होगा, इसको नामित किया जाना है, नोडल ऑफिसर नामित किया जाना है और राज्यों में नहीं हुआ है, तो ये आप एक एडवोकेसी का राज्य के स्तर पर और जिलों के स्तर पर हमारा काम है, हम सबको इसको करना है। विनय जी ने भी कोई क्वेश्चन किया था, दो क्वेश्चन थे शायद, मैं उनको लोकेट नहीं कर पाया, तो इस चर्चा के अंत में आज उनसे निवेदन है कि वो अपने उन प्रश्नों को पूछ लेंगे। शिक्षा से संबंधित है बेशक, लेकिन आप पूछ लेंगे। तो इसलिए मुझे ये तरीका ठीक लगा आप लोगों का कि जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वे, अगर कोई प्रश्न है तो उनको आप पूछ लेते हैं, ये अच्छी बात है। और पूछ लेने से निश्चित रूप से हमें सहायता मिलती है इस बात को समझने में कि कहाँ पर हम पूरी तरह से विषय को समझा नहीं सके। मधु सिंगल जी का भी एक व्हाट्सएप मैसेज था, वो उन्होंने कहा कि शायद नियमों को लेकर, कि नियम जो बने थे उनको भी साथ साथ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं अब तक की चर्चा अगर आपने ध्यान से देखी हो तो मैं साथ साथ जहाँ नियम हैं जिस चैप्टर से संबंधित, उन नियमों को का उल्लेख भी कर रहा हूँ और भी विस्तार से प्रयास करूँगा आगे चर्चा में। लेकिन हर समय मैंने अब तक जितनी चर्चा हुई है उसमें नियमों का उल्लेख किया है। लेट मी वेलकम यू ऑल टू दी ongoing discussion on RPD Act 2016. I welcome you to part 20. Before I start, there were some colleagues who wanted to raise certain queries but could not do so yesterday, and they communicated their questions through WhatsApp. And I would say in response to a query of our Chairman of Education Wing, Mr. Parmanand Ji, that the nodal officer, which is required to be appointed under Rule 7 of implementing rules to look into the grievances of admission, provision of rail books, etc., etc., in schools, has to be nominated by the government, by the district education officer, and this has not been done, and this is an issue which we must take up as a policy issue. Madhu Singhal ji wanted to know whether we are able to, or we are dealing with the rules side by side while explaining the relevant statutory provision. Yes, we are. And so far, whatever discussion has taken place, I have not only tried to explain the rule, relevant rule, in relation to every statutory provision, if there are any, and also I have also pointed out what was there in the original draft or was not there in the original draft, and what improvement we could have. I will be more cautious to deal with the rules,
because this is a good suggestion and we must continue to do that. तो साथियों इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी पर मैं पहले आऊंगा, स्किल डेवलपमेंट नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट पर बात करूंगा, क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी एक ऐसा हथियार है जो मैंडेटरी है हर एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये सेक्शन 21 में दिया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, और सेक्शन 21 उसके दो सब सेक्शन है। सेक्शन 21 का वन जो है वो ये सभी प्रतिष्ठानों के लिए, अब ये यहां वर्ड है एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसका मतलब निजी प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल है। आपको याद होगा जब मैंने एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा बताई थी तो इतनी ही उस परिभाषा में था कि एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ सार्वजनिक और सरकारी और निजी प्रतिष्ठान दोनों है, और उसके बाद गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, सरकारी प्रतिष्ठान और निजी प्रतिष्ठान की परिभाषा अलग अलग दी गई थी। तो यहाँ पर ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मैंडेट है सबसेक्शन 121 का, ये कहता है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान अर्थात सरकारी प्रतिष्ठान हो या निजी प्रतिष्ठान हो, उसको एक समान अवसर नीति अधिसूचित करनी होगी जिसमें वो सारे मेजर्स होने चाहिए, वो सारे कदम इंक्लूड होने चाहिए, शामिल होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए जो उस प्रतिष्ठान द्वारा इस चैप्टर इस अध्याय में जो प्राविधान है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक है, और उसका तरीका भी वो किस तरह से अधिसूचित हो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, केंद्रीय सरकार प्रेस्क्राइब करे। और दूसरा सबसेक्शन जो है 21 का वो कहता है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान ये जो समान अवसर नीति है जो अधिसूचित होनी है उसको, उस नीति को मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन या राज्य निशक्त आयुक्त के समक्ष रजिस्टर भी करानी, पंजीकृत भी करानी होगी। ये प्रोविजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका मतलब ये कि इस समान अवसर नीति के इम्प्लीमेंटेशन को, के कार्यान्वयन को चीफ कमिश्नर, यदि केंद्रीय स्तर पर है तो चीफ कमिश्नर, या अगर राज्य स्तर का एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ का स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वो मॉनिटर कर सके, उसको पता हो कि पॉलिसी कौन सी क्या है, पॉलिसी है आपकी। तो ये जो प्रावधान है इसका महत्व ये है, जैसा आप जानते हैं कि इस एक्ट में जो जिन सिद्धांतों पर यह कानून आधारित है, जिस पर इसकी नींव खड़ी है, उसमें समानता और भेदभाव रहित नीतियां बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, और ये केवल सिद्धांत ना रह जाएं, इसलिए ये हर प्रतिष्ठान के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी प्रतिष्ठान हो, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी गतिविधियों में और इस चैप्टर से संबंधित उन सब मामलों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी अर्थात समान अवसर नीति दिव्यांगों के लिए वो अधिसूचित करे, और अधिसूचित ही ना करे उसको चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त निशक्तजन या राज्य आयुक्त निशक्तजन के
साथ रजिस्टर कराए ताकि उसकी मॉनिटरिंग, उसके इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग चीफ कमिश्नर या राज्य आयुक्त, निषिद्ध आयुक्त कर सके। सेक्शन 22 जो है वो उसके तीन सबसेक्शन हैं और ये ऐसी पॉलिसी का रिकॉर्ड मेंटेन रखने के संबंध में है। 22(1) कहता है और ये पॉलिसी के साथ साथ इसमें कुछ चीजें भी स्पष्ट की गई है कि जिनका रिकॉर्ड उनको रखना होगा। सेक्शन 22 का कहता है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान दिव्यांगजनों के संबंध में रोजगार के मामले में उस प्रतिष्ठान द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके संबंध में या इस चैप्टर में जो प्रावधान है उनके अनुपालन के संबंध में उस रूप में या उस फॉर्म में और उस तरह सारा रिकॉर्ड रखेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अधिसूचित करे या प्रेस्क्राइब करे। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान का यह दायित्व है कि वो रोजगार के संबंध में जो सुविधाएं दिव्यांगजनों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्रतिष्ठान के रूप में उनके संबंध में और अन्य आवश्यक सूचनाओं का एक रिकॉर्ड रखेंगे ताकि आप यह पूरी तरह से आपके रिकॉर्ड से यह पता लगे कि इस चैप्टर में जो प्रावधान है उनका कंप्लायंस आप किस तरह कर रहे हैं, अनुपालन किस तरह कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड ऐसे फॉर्म और ऐसे तरीके से रखा जाएगा जैसा केंद्र सरकार अधिसूचित करे या प्रेस्क्राइब करे, निर्धारित करे। सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है, वो डील करता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के संबंध में। हालांकि अब ये बहुत समीचीन रह नहीं गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक समय में पहले जब ओपन एडवर्टीजमेंट नहीं निकला करते थे तो रिक्विजिशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भेजा जाता था सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा और तब उसके आधार पर नाम क्वालिफिकेशन से मैच करके भेजे जाते थे जो लोग रजिस्टर्ड होते थे। लेकिन अब इसका खास अर्थ नहीं रह गया क्योंकि हर जगह ओपन एडवर्टीजमेंट है। फिर भी इसमें जो बात कही गई है कि प्रत्येक रोजगार एक्सचेंज जो है वो रोजगार चाहने वाले दिव्यांगजनों का एक रिकॉर्ड रखेगा और सबसेक्शन 3 इस सेक्शन का ये कहता है कि जो रिकॉर्ड है जो सबसेक्शन 1 में अर्थात क्या आप सुविधाएं दे रहे हैं रोजगार के संबंध में दिव्यांगजनों को, क्या सुविधाएं हैं, क्या अवसर हैं, क्या सुविधाएं आप अन्य मामलों में दे रहे हैं दिव्यांगजन को एक प्रतिष्ठान के रूप में, वो सारा रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करेंगे सबसेक्शन 1 में वो रिकॉर्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि सरकार द्वारा अधिकृत हो वो इंस्पेक्शन के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। अब ये तो कह दिया हमने कि इस सेक्शन में ये बात तय हो गई कि हर एक प्रतिष्ठान को चाहे वो निजी हो या सरकारी हो उसे समान अवसर नीति अधिसूचित करनी होगी, उसको रजिस्टर कराना होगा
चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उसको रिकॉर्ड मेंटेन रखना होगा। इस इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी के बावजूद हमारी ग्रीवांसेस हो सकती हैं और उन ग्रीवांसेस के रेड्रेसल के लिए सेक्शन 23 में व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन है 23, ये केवल सरकारी प्रतिष्ठान पर लागू है। ये जो है गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पर लागू नहीं है। इसलिए इस सबसेक्शन को केवल सरकारी प्रतिष्ठान के संदर्भ में समझना होगा हमें, और केवल सरकारी प्रतिष्ठान ही इस सेक्शन से आच्छादित होते हैं। सेक्शन 23 के चार सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान के लिए यह मैंडेटरी करता है, यह आवश्यक करता है कि वह कोई भी सरकारी हर प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान एक ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति करे, और किस लिए? सेक्शन 19 के कंप्लायंस में, मैं सेक्शन 19 पर आऊंगा। और वो चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर को उस अपॉइंटमेंट की सूचना दे, उस ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की सूचना दे। सबसेक्शन 2 रेमेडी देता है किसी एग्रीव्ड पर्सन, अगर मान लीजिए सेक्शन 19 में जो आपके अधिकार हैं जिसका भी मैं जिक्र करूंगा अभी तुरंत, उस अधिकार का वायलेशन होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में भी सन्निहित उस अधिकार के संरक्षण के संबंध में कोई वायलेशन होता है, तो सबसेक्शन 2 आपको रेमेडी देता है। वो क्या है कि अगर किसी सेक्शन 20 की नॉन कंप्लायंस पर के संबंध में कोई ग्रीवांस हो उस प्रतिष्ठान में, तो वो अपनी कंप्लेंट ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर को जिसको अपॉइंट किया जाए सबसेक्शन 1 में, उसको देगा, जो उस प्राप्त कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन करेगा और साथ ही जो प्रतिष्ठान संबंधित प्रतिष्ठान है उससे उस मामले को सुलझाने के लिए संपर्क करेगा। सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि जो ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर है उसका ये दायित्व होगा कि वो इस तरह प्राप्त कंप्लेंट्स का एक रजिस्टर बनाए, जो रजिस्टर उस फॉर्म में होगा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करे, और ये जो कंप्लेंट है ये धरी नहीं रखी जा सकती, ऐसी कंप्लेंट को 2 सप्ताह के अंदर इसके पंजीयन के मतलब कंप्लेंट मिलने के 2 सप्ताह के अंदर उस पर इंक्वायरी की जानी चाहिए। और सबसेक्शन 4 और रेमेडी देता है कि अगर ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर के से एग्रीव्ड पर्सन संतुष्ट नहीं है उसके द्वारा लिए गए कदम से, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ऑन डिसेबिलिटी पर अप्रोच कर सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप कहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी क्या कोई अपॉइंट हुए? नहीं, ये भी एक हमारा
एडवोकेसी का इशू है। ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर्स भी सभी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में अपॉइंट नहीं हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों। ये भी एक हमारे लिए एक एडवोकेसी का इशू है। और चूंकि सेक्शन 19 और 20 का जिक्र आया है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी के संबंध में, इसलिए अब मैं उस पर आता हूँ। अब आपने समझ लिया कि रोजगार, प्रशिक्षण, इन सब में अगर कोई इन सब के संबंध में आपको प्रत्येक प्रतिष्ठान को इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनानी होगी, अधिसूचित करनी होगी, उसे रजिस्टर करना होगा। सेक्शन 19 डील करता है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। 19 का सबसेक्शन 1 प्रत्येक सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वो ऐसे स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए जिनमें लोन्स का प्रोविजन हो एट कंसेशनल रेट्स, जिसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए फैसिलिटेट करने की व्यवस्था हो दिव्यांगजनों को, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए व्यवस्था हो। तो सेक्शन 19 के अनुसार, 19(1) के अनुसार ये प्रत्येक सरकार का दायित्व होगा कि वो ऐसी स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाएं जिसके माध्यम से कंसेशनल रेट्स पे लोन मिले, जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हों या उनको तैयार किया जा सके। तो ये सबसेक्शन 1 और सेक्शन 19 में है व्यवस्था। सबसेक्शन 2 उन स्कीम्स और प्रोग्राम्स को थोड़ा और डिटेल में बताता है। जो प्रोग्राम सबसेक्शन 1 में बताए गए, स्कीम्स बताई गई, उसमें वो थोड़ा डिटेल में बताता है कि क्या क्या होना चाहिए। उसके अनुसार सबसे पहला, जितने मेन स्ट्रीम फॉर्मल या नॉन फॉर्मल वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग स्कीम्स हैं उसमें दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आप देखते हैं स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स अभी चली, उसमें मैंडेटरी है कि इस एक्ट के मुताबिक, हालांकि हुआ नहीं है, दिव्यांगजनों को शामिल किया जाना चाहिए। सभी औपचारिक या अनौपचारिक जितने वोकेशन और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम्स हैं और या प्रोग्राम्स है सरकार के, उसमें हमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, अर्थात उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उसमें हमें उसका हमें लाभ, हमें बेनिफिशियरी में शामिल किया जाना चाहिए। बी, टू एंश्योर दैट पर्सन, बी कहता है कि यह सुनिश्चित करना होगा हर सरकार को कि एक दिव्यांगजन एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसको एडिक्वेट पर्याप्त सपोर्ट मिले, सहयोग मिले और सुविधाएं मिले। सी, यहां तो इंक्लूजन, अभी तक आपने इंक्लूजन की बात की, अब एक्सक्लूसिव स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल डिसेबल्ड के लिए, दिव्यांगजनों के लिए स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था होनी चाहिए और वो ऐसे व्यवस्था हो जो जॉब मार्केट से सीधे सीधे लिंक्ड हो, संबद्ध करके। ऐसा नहीं ट्रेडिशनल जैसा आजकल अभी तक चल रहा है, चेयर रेकेनिंग करा दी, लाइट इंजीनियरिंग करा दी,
उसमें हमने रिलेशनशिप देखी नहीं कि जॉब मार्केट का ट्रेंड क्या है, नहीं। ये जो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग स्किल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, वो जॉब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उससे ड्रिवन होने चाहिए। और ये विशेष रूप से जो डेवलपमेंटल इश्यूज के कारण पर्संस विद डिसेबिलिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल हैं डिसेबल और मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं एंड ऑटिज्म हैं, उनके लिए है ये प्रावधान विशेष रूप से, क्योंकि उनको एक्सक्लूसिव देना पड़ेगा। फोर है, जैसा जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं, ऋण आसान शर्तों पर और कंसेशनल रेट्स पर, और जिसमें माइक्रो क्रेडिट भी शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो पर्संस दिव्यांगजन द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनकी मार्केटिंग सपोर्ट के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स में। और नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दिव्यांगजन से संबंधित उनकी कितने लोगों को किस प्रोफेशन में वोकेशन में ट्रेनिंग दी गई, क्या स्किल डेवलपमेंट किन किन एरियाज में दी गई, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में किन लोगों ने कौन कौन से क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वेंचर्स शुरू किए, उनकी सफलता की स्थिति क्या है, ये सब के संबंध में एक सेग्रीगेटेड डिसएग्रीगेटेड डेटा होना चाहिए डिसेबिलिटी का। ये तो सेक्शन 19 था जिसका जिक्र आपने देखा 22 में आया था, और सेक्शन 20 का भी जिक्र आया था, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट है। ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट है, ये फिर केवल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे लागू है, अर्थात सरकारी प्रतिष्ठान पे लागू है, ये निजी प्रतिष्ठान पर नहीं। No government establishment shall discriminate against any person with disability in any matter relating to employment. कहता है कि कोई भी सरकार दिव्यांगता के कारण रोजगार से संबंधित किसी विषय पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन एक प्रोविजो है, वो प्रोविजो पहले वाले सेक्शन पहले वाले एक्ट में भी था कि सरकारें किसी प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर एक अधिसूचना के माध्यम से और सशर्त किसी प्रतिष्ठान को इस सेक्शन के प्रावधान से बाहर कर सकती है। अर्थात अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसी प्रतिष्ठान में, उदाहरण के लिए कोल माइनिंग को ले लें, कोल माइनिंग में उनको सरकार को ये लगता है कि भाई कोल माइनिंग में दिव्यांग काम नहीं कर सकते, माइनिंग में काम नहीं कर सकते, तो केवल माइनिंग के कामों को से एग्जेम्प्ट, वहां पर जितना वर्कफोर्स है उससे एग्जेम्प्ट कर सकते। सबसेक्शन 2, प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान का यह दायित्व निर्धारित करता है कि वो सभी दिव्यांगों को रीजनेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, जो सेक्शन 3(5) का प्रिंसिपल है, और साथ ही यथोचित अवरोध रहित और उचित वातावरण दिव्यांग कर्मचारी को प्रदान करेगा। सबसेक्शन 3 यह कहता है कि किसी भी दिव्यांगजन को केवल दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जाएगा।
और साथ ही सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई किसी सरकारी प्रतिष्ठान में कोई व्यक्ति सेवायोजित होने के बाद दिव्यांग हो जाए तो उसको वह सरकारी प्रतिष्ठान ना तो उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है ना ही उसको उसकी रैंक को घटा सकता है, अर्थात उसका डिमोशन नहीं कर सकता। जिस पद पर वो काम कर रहा है उस पद पर ही उसको कंटिन्यू करना होगा। इसका भी एक प्रोविजो है और उसके मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉई डिसेबिलिटी एक्वायर करने के समय जिस पोस्ट पर था वह पोस्ट उसके उचित नहीं थी या उस पोस्ट पर काम नहीं कर सकता डिसेबिलिटी के कारण, तो उसे दूसरे किसी पद पर शिफ्ट किया जाएगा किंतु उसका पे स्केल और सर्विस बेनिफिट सेम रहेंगे। और एक और प्रोविजन है कि अगर ऐसा करना संभव ना हो तो उस एम्प्लॉय को किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट समायोजित करते हुए उसे सुपर न्यूमरी पोस्ट पर रखा जाएगा जब तक कि कोई उसके लिए उचित पद उपलब्ध नहीं हो जाता या वो जब तक सुपरन्यूएट नहीं हो जाता, अर्थात रिटायर सेवानिवृत्त नहीं हो जाता, जो भी पहले हो। और पांचवां सबसेक्शन कहता है कि जो सरकारें हैं उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिव्यांग कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए है, पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए एक अलग पॉलिसी बनानी होगी। तो ये 5 सबसेक्शन हैं इसके। तो आज मैंने आपको सेक्शन 19, 20, 21, 22 इनको इस संबंध में अब तक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताया और मैं इनसे संबंधित कुछ नियमों पर बात करूंगा। इसमें इससे संबंधित नियम क्या हैं, ये चैप्टर 8 है, सॉरी सेक्शन 8 है चैप्टर 4 में, जो इक्वल समान अवसर नीति के पब्लिकेशन को अधिसूचित करने के तरीके पर प्रकाश डालता है, उसकी प्रक्रिया बताता है। उसके अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान अपनी समान अवसर नीति दिव्यांगजनों के लिए जो है वो पब्लिश करेगी। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसी समान अवसर नीति दिव्यांगजनों के लिए जो पब्लिश होगी, प्रकाशित होगी, उसको वह उस नीति को वह अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करेगी और यदि ऐसा संभव ना हो तो उस प्रतिष्ठान के किसी के भवन की किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर उसको डिस्प्ले करेगी। ऑब्जेक्ट क्या है इसका कि सबको पता होना चाहिए कि क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है और अगर कोई इंस्पेक्शन करने आता है तो उसको भी पता होना चाहिए, तभी वो चेक कर पाएगा मॉनिटरिंग के रूप में कि उसका कितना पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरा है इसी नियम में कि एक निजी प्रतिष्ठान की जो समान अवसर नीति है जिसमें 20 और
उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हों और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की जो समान अवसर नीति है